हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए नई रेसिपी लाए हैं। देखिए, आज हम बनाएंगे व्रत की आलू की पकौड़ी। आज हमारा व्रत है। देखिए, हमने आलू ले लिए हैं, इन्हें छील के हमने कट कर लिया है। हमने इनकी गोल पकौड़ी बनाएंगे। गोल गोल आलू काट लिए हमने सारे ही। अब सब इनको धो लिया है हमने अच्छी तरह से कहीं पानी में। ये नए आलू हैं। इनकी पकौड़ी हमने हरी मिर्च काट ली है, ये अदरक कर लिया है बारीक, हमने चॉप कर लिया है। ये हमने धनिया धो लिया है, धनिया को काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे। हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल दिया है और अपनी हम गैस चालू करेंगे। आज हम आलू की पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये हमने सिंगाड़े का आटा ले लिया है और इसमें 2 चम्मच हम सिंगाड़े का आटा डाल देंगे। ये हमने सिंगाड़े का आटा ले लिया 2 चम्मच और हम कूटू का आटा डालेंगे। ये गिरी वाली है, हमने खुद ही घर में पीसी है। हम इसका पेस्ट बनना तैयार करेंगे। आटा ले लिया है और हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल। हमने अपना बैटर घोल लिया है, देखो कितने अच्छे से घुल गया है। हमें इस तरह का रखना है क्योंकि इसमें डिप करेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और अदरक डाल देंगे। इन्हें मिला लेंगे और हम एक बोल डिप करके डालेंगे। हमारा ऑयल देखिए गर्म हो गया, हमारा ऑयल गर्म हो गया और हम अपनी पकौड़ी को डिप करके पकौड़ी लाल हो गई है। हमने गैस बंद कर दी है क्योंकि हमारी गैस तेज हो गई थी। अपनी पकौड़ी को पलट लेंगे हम, क्योंकि हमारी आँख तेज हो गई थी तो हमारे ऑयल गर्म हो गए थे। अब हमने मंदा कर लिया है, मंदे पे कच्चापन इनका खत्म हो, सही अच्छे से गएगी लाल लाल। सभी पकौड़े को पलट लेंगे। देखिए हमारे कितनी लाल पकौड़ी हो गई, करारी हो गई है बिल्कुल। और हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। सभी पकौड़ियों को हम इस तरह से निकाल लेंगे, अपने पकौड़े और छोड़ेंगे। हम पकौड़ियाँ डालेंगे, खाने में बहुत ही अच्छी पकौड़ी लगती है। आप व्रत में बनाइए, आप बिना व्रत के भी बना सकते हैं। पलट गया है, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। जो कितनी लाल सीख गई हमारी, थोड़ी सी और देखेंगे हम। इन्हें हमारी पकौड़ सीख गई है, देखिए कितनी लाल सीख गई है। हम इन्हें उतार लेंगे। कैसे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल करारी हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। देखिए हमारी सारी पकौड़ी बनके रेडी हो गई हैं। देखो कितनी करारी पकौड़ी बनी है हमारी, देखिए कितनी करारी बनी है। देखिए सारी पकौड़ी बन गई है हमारी। अब हमने इसकी चाय की बनाई है, इसके साथ चाय के साथ सर्व करी है। आपको चटनी के साथ अच्छी लगे तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हमने ठंड की वजह से चाय बनाई है इसके साथ। अगर आपको हमारी पकौड़ी अच्छी लगी हो तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए। हमारी वीडियो शेयर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।